क्लास 8 साइंस आई एम आर एस प्रसाद सर. टुडे योर चैप्टर 11 दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज द क्वेश्चन आंसर. लेट अस स्टार्ट. व्हाट विल बी योर चैप्टर. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट मीन्स सब्सटेंस विच आर अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू इजिली पास थ्रू देम आर नोन एज पुअर कंडक्टर. सो यू कैन नो द सब्सटेंस विच वन द इलेक्ट्रिक कंडक्टर. क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए. इसमें कॉपर हो गया. कॉपर किस लिए वायर बनाते हैं. आयरन हो गया और एल्यूमिनियम. गोल्ड. और पुअर कंडक्टर में क्या आता है ये भी देख लीजिए. पुअर कंडक्टर इसमें ग्लास आ गया, प्लास्टिक आ गई और रबर. सो दीज आर द पुअर कंडक्टर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन. व्हाई डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर व्हाइल टेप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो यू कैन सी, सो डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेन सॉल्ट. इसके अंदर कोई सॉल्ट नहीं होता है. सो देयर इज नो चार्ज. सो थस इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू इट. थस इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेयर एज टेप वाटर इज नॉट प्योर, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल सॉल्ट आर डिजॉल्व इन इट. Therefore, it is a good conductor of electricity. Water के अंदर minerals नहीं होते हैं, ना ही कोई salt होता है. So, distilled water क्या होता है, ये bad conductor of electricity होता है. मतलब ये conduct नहीं कर पाता, यानी poor conductor of electricity. लेकिन जब इसमें mineral माल मिले होते हैं, जैसे कि tap water है, उसमें क्या होता है, ये good conductor of electricity हो जाता है. चलिए next question की तरफ चलते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये बहुत अच्छी बात है. केमिकल इफेक्ट तो ये है, इट इलेक्ट्रिक करंट, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू अ कंडक्टर दैट इज अ लिक्विड देन द केमिकल रिएक्शन ऑकर इन अ लिक्विड. दिस इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे सोल्यूशन ऑफ NaCl है, इसका अगर सोल्यूशन है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन. सो वेन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो जाता है, ये सोडियम और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है, इसलिए इसको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा क्या है. व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ डूइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में क्या मेन कारण है. तो पहला है ब्रिज एंड द ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय द कोटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन. आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, इससे रस्ट नहीं लगता है. नंबर टू, आयरन बॉक्सेस यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. मटेरियल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय टिन सो दैट फूड मटेरियल डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद आयरन. उसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं टिन की, जिससे कि वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है फूड मटेरियल और बेकार नहीं होता है, खराब नहीं होने पाता. बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम मेटल और से जो है हमें प्योर मेटल फाइंड होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने पर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है. बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑर्नामेंट्स आर मेड बाय कोटिंग अ लेयर ऑफ गोल्ड और सिल्वर मेटल ऑन चीप एंड मेटल ऑब्जेक्ट. यानी जो सस्ते होते हैं उनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की पॉलिश करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम आती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. सो नेम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स बाई मार्किंग अ लिस्ट. लिस्ट बनानी है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको. पहला है सम पार्ट्स ऑफ कार. कार के कुछ पार्ट्स हैं. टेप नोजल भी हमारे पास. गैस बर्नर. बाइसिकल हैंडल. और होता है रिम ऑफ द व्हीकल. ये सब इसी के ही हैं.
नंबर सिक्स है आयरन बॉक्सेस यूज इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, इसमें जिंक की पॉलिश की जाती है। नाउ ब्रिज एंड द ऑटोमोबाइल्स व्हीकल एक्सेट्रा, इस तरह से इतनी सारी लिस्ट है, आप और बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन अ सिंपल वोल्टाइक सेल। इन वोल्टाइक सेल कॉपर प्लेट एनोड एंड जिंक प्लेट एज ए कैथोड आर यूज एज इलेक्ट्रोड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। इसके साथ आप लोगों को एक फिगर भी बनानी है, यानी फिगर नीचे आपको दिखा रहा हूं मैं, कौन सी ये फिगर है आपको वोल्टाइक सेल की, इसमें ये बल्ब दिखाई दे रहा है, ये की है। इलेक्ट्रोड में कॉपर इलेक्ट्रोड है आपका जो एनोड का काम कर रहा है, इट इज कॉपर इलेक्ट्रोड, इसको एनोड बोलते हैं। और ये ग्लास वेसल जो दिखाई दे रहा है, ये ग्लास वेसल है आपका, और ये जो बताया गया किसको बताया जा रहा, वोल्टाइक सेल को बताया जा रहा। इसमें जो सॉल्यूशन जो भरा हुआ होता है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ये सॉल्यूशन भरा हुआ होता है इसके अंदर, तो ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और इसके बाद ये जिंक इलेक्ट्रोड प्लेट है, ये कैथोड का काम करती है, ये जिंक कैथोड का काम करती है, मतलब ये नेगेटिव वाली प्लेट है और ये पॉजिटिव यानी एनोड का काम करती है, और यहाँ पर की होती है जिससे कि बल्ब जल सके और बुझ सके, इसका मतलब केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। इसके बाद आता है व्हाट इज सोलर सेल मेड ऑफ, तो सोलर सेल एक्चुअली में क्या होता है, टू लेयर्स ऑफ सिलिकॉन्स होता है, यानी कि सोलर सेल में, इन सोलर सेल इज मेड ऑफ टू लेयर्स ऑफ सिलिकॉन, दो लेयर्स होती हैं सिलिकॉन्स की इसमें। चलिए आगे चलते हैं, टेक द करेक्ट आंसर, द फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर तो होता ही नहीं है गुड, ये प्योर वाटर है इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। नंबर सेकंड लेते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन अ सिंपल वोल्टाइक सेल, सिंपल वोल्टाइक सेल में कौन सा यूज करते हैं, तभी मैंने बताया आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, सो यू कैन पुट द सेकंड आंसर। नाउ थर्ड वन, द पोर्स ऑफ अ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, दैट इज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सो यू कैन टिक दिस वन। नाउ कम टू द फोर्थ वन, द एपरेटस यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कौन सा एपरेटस यूज करते हैं, सो दैट वन इज द इलेक्ट्रिक सेल। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन सी हियर, नंबर वन है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज इन अ सिंपल वोल्टाइक सेल, दैट इज द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सो यू हैव टू राइट हियर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ कम टू द सेकेंड, ऑन पासिंग करंट थ्रो एनी सोल्यूशन प्रोड्यूसिस इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट, चैप्टर यही है केमिकल इफेक्ट का। नाउ इन सोलर सेल, सोलर सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी चेंज होती है इसमें, सो यू हैव टू राइट हेयर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो यू हैव टू राइट हेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ फोर्थ वन, प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ओवर अ चीप मेटल बाय वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड, यहां पर बच्चों आपको क्या करना है कि ये आपका जो एपरेटस यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये वोल्टामीटर सही रहता है, इसमें वोल्टामीटर में करते हैं अधिकतर, तो चलिए इसको सही कर लेना आप लोग, क्योंकि ये वोल्टामीटर यहां पर भी आपको यही बता रहा था, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ओवर चीप मेटल बाय वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड, ये वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द नेम इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ध्यान रखना वोल्टाइक सेल में वोल्टामीटर में ही होता है। फिफ्थ वन इज द वोल्टाइक सेल, इट इज वोल्टाइक सेल, यू कैन राइट हियर वोल्टाइक सेल आर यूज इन वॉचेस कैलकुलेटर्स ट्रांजिस्टर एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इन सब में यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है डज डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू मेक इट अ कंडक्टर, सो
pure water does not conduct electricity to make it a conductor, small amount of mineral salt are added. और एसिड भी डाल सकते हैं आप लोग इसमें, यू कैन एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा अमाउंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी डाल दीजिए तब भी कंडक्ट करने लगेगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ फायर, बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन वाई दे डू दिस. ऐसा क्यों करते हैं कि मेन सप्लाई ही ऑफ कर दी जाती है. इन केस ऑफ फायर, बिफोर यूजिंग द वाटर पाइप द फायर फर्स्ट स्टॉप द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ दैट एरिया, उस एरिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी भगा दी जाती है. बिकॉज वाटर ऑफ अ पाइप इज नॉट प्योर, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज मिक्सड इन इट एंड इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कहीं पर भी करंट लग सकता है और डैमेज कर सकता है. थर्ड, वाई जिंक इज कॉटेड विद आयरन, आयरन के साथ जिंक क्यों कॉटेड की जाती है. फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन अ लेयर ऑफ जिंक इज कॉटेड ओवर आयरन, इसको कोरोजन से बचाने के लिए यानी रस्टिंग से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है. नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन टू इट्स कम्पोनेंट्स बाय द पासिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. सो एग्जाम्पल है, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर, वाटर एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड टेकन इन अ कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइटिस ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड इट डिकम्पोजिस इन टू द सिंपलेस्ट कंपोनेंट दैट इज द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन गैस. मतलब ये है कि ये H2O वाटर हो गया और इसमें क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ये बैलेंस हो गई है. और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए ये आपका जो है यहाँ पे दिखाया जाए, ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, इसमें क्या करा इन्होंने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है इसमें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक. और ये पूरा का पूरा क्या है, ये वाटर था, प्योर वाटर, और प्योर वाटर में ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाती है. सेल लगा रखा है इसका, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है और ये नेगेटिव वाला है, और ये कैथोड का काम कर रहा है, चूंकि ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये कैथोड का काम करेगा, और ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो ये एनोड का काम करेगा. यहाँ पे एनोड आपको दिखा रखा, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए एसिडिफाइड सोल्यूशन आपका भरा हुआ है. सो दैट इज द पासिंग करंट थ्रो द वाटर, वाटर में पास करने के लिए किया जाता है इसको. नेम द इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बटन सेल, बटन सेल में बताना है. इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बटन सेल सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड होता है इसके अंदर भरा हुआ. नाउ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, पोल जिंक होता है या एल्युमिनियम का होता है, और नेगेटिव पोल क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड होता है. दे आर द गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर. राइट, थ्री यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो देखते हैं अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. फर्स्ट है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अ थिन लेयर ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड और सिल्वर इज कोटेड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ चीपर मेटल्स फॉर द मेकिंग ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट बनाने के लिए चीपर मेटल आयरन वगैरह जो होते हैं इनके ऊपर, या कॉपर होता है उसके ऊपर सिल्वर की या गोल्ड की पॉलिश कर दी जाती है. नंबर टू, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम द मेटल ओर, मेटल ओर से प्योर मेटल फाइंड करने में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करते हैं. नाउ थर्ड, लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ओवर आयरन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल व्हीकल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए भी जिंक की कोटेड जो है किस पे करते हैं, आयरन के ऊपर कर दी जाती है, जिससे कि हमारा आयरन रस्ट नहीं हो पाता है. ये आपका दिखाया हुआ है यहाँ पे क्या चीज है, इट इज अ सिंपल सर्किट शोइंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिंपल सर्किट बनाया हुआ है. ये आपका एनोड है जो कि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ये, और ये आपका कैथोड है जो कि नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, आपको दिखाया जा रहा है ये कैथोड है आपका, और कॉपर की ये प्लेट है आपकी. एसिडिफाइड जो है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ होता है इसके अंदर, ये नीले रंग का जो दिखाई दे रहा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इस पर मेटल डिपोजिट होने लगती है. चलिए देखते हैं अब हम टेस्टिंग के लिए है, ये टेस्टिंग ऑफ अ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ लेमन जूस और विनेगर.
विनेगर में हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है नहीं, तो ये हमने एक बैटरी लगा रखी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे बल्ब लगा रखा है और ये वायर है हमारे पास, और इसमें पहले हमने क्या कर रखा, अब लेमन पहले इलेक्ट्रोड भी डिप कर दिया हमने, ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है लेकिन ये एनोड हो गया एंड इट इज योर कैथोड। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास करते हैं वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है और ये बल्ब ग्लो होने लगता है, दैट इज द टेस्टिंग विच सोल्यूशन पास द इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स विच इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स द इट इज सोर्स द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द ड्राई सेल। ड्राई सेल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, ड्राई सेल जो आप लोग घरों में लाते हैं और किस में लगाते हैं, घड़ी वगैरह में लगा लेते हैं आप लोग, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। ये क्या है, सबसे ऊपर ये ब्रास का कैप दिखाई दे रहा है आपको, जो दिख रहा है ये सबसे टॉप पे ये ब्रास का कैप होता है, फिर इसके बाद सीलिंग ऑफ वैक्स पिच होती है, ये इनसाइड में जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है सीलिंग लगी हुई होती है, फिर जिंक लेयर होती है, जिंक का सिलेंडर बनाया होता है जो किनारे किनारे होता है, ये जिंक का पूरा सिलेंडर होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है यानी कार्बन रॉड, ये बिल्कुल बीचों बीच होती है, ये कार्बन की रॉड बनी हुई होती है। इसके बाद जो है ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है और कार्बन भी मिला होता है, और इसके अंदर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड ये सब मिले हुए होते हैं इसके अंदर, ये जो सब यहाँ पे भरा हुआ होता है इस जगह पे। अब क्या होता है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड ये सारे इसमें मिले हुए होते हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सारा जो है आपका मिलता है, बीच में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, कार्बन पाउडर वगैरह होता है, ये सब भर के इसके अंदर रख देते हैं और ये हमारा सेल की तरह यूज होता है, ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए आप लोग इसको ढंग से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने होते हैं। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर वेयर एज अदर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ तो अच्छे होते हैं कुछ नहीं होते हैं। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट पास इलेक्ट्रिसिटी आर सोल्यूशन ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू अ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शंस, द रिजल्टिंग इफेक्ट इज कॉल्ड एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नाउ व्हाट इज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हालांकि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने बता दिया लेकिन फिर भी कुछ देख लीजिए क्या है ये। क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट क्रॉड, सो इट रेजिस्टर्स और ये स्क्रेच। हाउ एवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, सो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपोजिट, थस द क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स लाइक कार पार्ट्स, बार टेप, किचन गैस बर्नर, बाइसिकल हैंडल्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर्स। सेकेंड है ये ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, यानी कॉपर और आयरन, कॉपर और आयरन पे ये लोग करते हैं, मोस्टली कॉपर के ऊपर होता है। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसी को ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। नंबर थर्ड पे दिया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, चलिए क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज यूज टू गेट प्योर मेटल फ्रॉम देयर इम्प्योरिटीज। फिफ्थ है टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन, सो टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, थस द फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टेक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टिव फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सिक्स है आयरन इज यूज इन ब्रिज एंड द ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंस टू कोरोड एंड रस्ट, सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपोजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। इस तरह से हमारा बहुत सारे यूजेस होते हैं। ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है, नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे जिससे कि मुझे पता चले आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं
आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।